सुनो सुनाए बात सयानी कैसे बने ये शीश के ये शीश दान में क्यों कहलाए अमर बरदानी कौन है ये खाटू वाला कौन है ये लखदाता दुनिया में इतने मंदिर भोलेनाथ के मंदिर के बाहर लिखा ओम नमः शिवाय माता रानी के मंदिर के बाहर लिखा जय माता की हनुमान जी के मंदिर के बाहर लिखा जय श्री राम लेकिन एकमात्र दरवाजा खाटू का जिसके आगे लिखा है हारे का सहारा बाबा श्याम बाबा श्याम बाबा श्याम मैं भाई पांव पड़ सकता हूं इनके इससे ऊपर तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता इससे ऊपर मैं कुछ नहीं कर सकता बस एक फोन का ही कमाल है ये देखिए हरियाणा के फोन की ताकत प्रेम से सुनो आनंद आएगा मुझे प्लीज डिस्टर्ब मत कीजिए मैं देखकर नहीं गाता हूं देखकर गाऊं तो मेरा कुर्ता जितना मर्जी खींच लो मुझे कोई तकलीफ नहीं मैं भूल जाता हूं प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी सन 2000 से पहले जिस दरबार में हजारों लाखों भक्त आते आज उसी दरबार में करोड़ों भक्तों की संख्या हो गई ऐसा क्यों हमारी एक गली के अंदर एक गाड़ी होती थी जिस पर बाबा का निशान लगा होता था आज गली में 10 गाड़ियां खड़ी है तो 6 गाड़ियों पे बाबा का निशान लगा है ऐसा क्यों ना शीश का दान होता ना चुलकाना धाम होता ना शीश का दान होता ना चुलकाना धाम होता कहां मिलता हारे हुओं को सहारा जो खाटू में ना शाम होता ये खाटू के राजा आपके पास आए हैं सुनना ध्यान से बाबा की कथा कानों तक आवाज जानी चाहिए आंखों से दिखे ना दिखे जब कानों से आवाज दिल तक पहुंच जाएगी तो बंद आंखों में भी खाटू का श्याम नजर आ जाएगा भाई आंखें खोलने की जरूरत नहीं है मिलकर बाबा के चरणों में सुनिएगा ध्यान से हरे का तू है सहारा सबरे हमने भी तुझको पुकारा सांवरे नहीं और सहा जाए अब बोल कहा जाए नहीं और सहा जाए अब बोल कहा जाए हारे का तू है सहारा सांवरे हमने भी तुझको पुकारा चाहे मत गाना चाहे ना ताली बजाना लेकिन प्रेमियों हाथ जोड़कर विनती मेरी इस कथा को सुनकर समझकर जाना ऐसे सुनना
कि किसी और को भी सुना सको। इतनी तहजीब से बैठना कि बाबा आपकी आंखों के जरिए आपके दिल तक पहुंच जाए। ऐसे बैठना जैसे कोई जोगी अपने भगवान के लिए बैठा हो कि बस अभी आने वाला है। जो जो सुनना चाहते हैं इजाजत के रूप में दोनों हाथ उठाकर बता दो। जो बाबा की कथा सुनना चाहते हो मिलकर गाना, हरे का तू है सहारा सांवरे, हमने भी तुझको है पुकारा सांवरे। बोल कहाँ जाए और सहा जाए, बोल कहाँ जाए, हरे का तू है सहारा सांवरे, हमने भी तुझको है पुकारा सांवरे, हरे का तू है सहारा सांवरे, हमने भी तुझको है पुकारा सांवरे। और ये बात शुरू होती है महाभारत के उस युद्ध से, जो युद्ध हुआ पांडवों और कौरवों के बीच। कौरवों की रक्षा कन्हैया की सेना कर रही थी और पांडवों की रक्षा कौन कर रहे थे? गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, पांडवों में भीम, भीम के पुत्र हुए घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र हुए बरबरी, बरबरी 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 बरबरी। बोलिए महाबली बरबरीक की। बाल घुंघराले थे, बरबर शेर की तरह थे, इसलिए नाम पड़ा बरबरी। माता मौरवी के लाल हैं, किसके लाल हैं? बोलिए मौरवी के लाल की, मौरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो जी, मौरवी के लाल की के लिए दोनों हाथ उठाके, मौरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो जी, मौरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो जी। जन्म लेते ही 14 बरस की आयु ग्रहण करी, मां के पास गए, बोले मां मैं भी कुछ शक्ति पाना चाहता हूं। मां ने मां दुर्गा की तपस्या करने के लिए कहा और शिव के बिना शक्ति अधूरी, शक्ति के बिना निकल पड़े बरबरीक मनाने। भोले भोले के भक्तों हाथों को उठाके, जिससे तीनों लोग जीत सकते थे, इसलिए जयकारा लगता है। बोलिए तीन बाण धारी की जय। जब इंसान के पास धन आता है तो खर्चने का मन आता है, पर जब शक्ति आती है
तो इस्तेमाल करने का मन आता है। मां के पास गए, बोले मां मैं भी इस युद्ध में भाग लेना चाहता हूं। मां ने सोचा कन्हैया की सेना तो कौरवों के पास है, पांडव कमजोर होंगे। मां बोली बेटा जा, मगर जाने से पहले दो वचन देकर जा। पहला वचन, जो पक्ष हारेगा तो उसका सहारा बनेगा, इसलिए कहते हैं हारे के सहारे की जय। हारे का जो है सहारा सामने, हमने भी तुझको है हारे का जो है सहारा सामने, हमने भी तुझको सामने। और दूसरा वचन, पहला वचन हारे का सहारा और दूसरा वचन, रस्ते में कोई भी कुछ भी मांग ले तू मना नहीं करेगा, नतमस्तक होकर बरबरीक चल पड़े। और जैसे मेरी मां शेर की सवारी करती है, भोलेनाथ नंदी की, हमारे श्याम बाबा किसकी सवारी करते हैं? लीले घोड़े राम खेलने कूदने की उम्र है, कहां मरने जाते हो? बरबरीक बोले, जिनके हौसले बुलंद हुआ करते हैं वो उम्र नहीं देखा करते, काम पर निकल जाते हैं। ब्राह्मण देवता बोले, बेटा ऐसी कौन सी शक्ति है तेरे पास, बड़े बड़े महायोद्धा हैं वहां। बरबरीक बोले, प्रभु मेरे जो तरकश में तीन बाण है ना, उनमें से एक बाण ही बहुत है आपके महाभारत के युद्ध का निर्णय करने के लिए। बोले तीन बाण धारी की, बोले एक ही चलाऊंगा, ना जीतने वाला बचेगा ना हारने वाला बचेगा। ब्राह्मण देवता बोले, बेटा बातें करनी आसान है, साबित करके दिखाओ। सामने पीपल का पेड़ था, बरबरीक ने चढ़ाया प्रत्यंचा पे बाण, और एक ही बाण से पेड़ के लाखों पत्ते भेद दिए। एक पत्ता ब्राह्मण देवता ने अपने पांव के नीचे दबा लिया, क्योंकि वचन दिया था पांडवों की मां को कि तेरे पांच पुत्रों की रक्षा करूंगा। कन्हैया देखना चाहते थे कि बरबरीक के होते हुए क्या मैं उन पांडवों की भी रक्षा कर सकता हूं क्या, इसलिए एक पत्ता अपने पांव के नीचे दबा लिया। जब पूरे पेड़ के पत्ते भेद दिए तो वो बाण ब्राह्मण के पांव के ऊपर घूमने लग गया। बरबरीक बोले, प्रभु पांव हटाइए, एक पत्ता आपके पांव के नीचे है। ब्राह्मण देवता मान गए, अगर ये युद्ध में चला गया तो सबको ढूंढ ढूंढ के मारेगा। बोले बरबरीक किसका साथ दोगे? बरबरीक बोले, प्रभु मैंने वचन दिया है, हरे कलू है सारा सामरे, हमने भी तुझको है पुकारा। अब ब्राह्मण देवता बोले,
ऐसा वचन दे दिया, हारे का सारा अगर तू पांडवों की तरफ हुआ तो कौरव हारने लग जाएंगे, तू कौरवों के पास चला जाएगा। कौरवों की तरफ हुआ तो पांडव हारने लग जाएंगे, तू पांडवों के पास चला जाएगा। इससे तो युद्ध का निर्णय नहीं होगा। बरबरीक ने हाथ जोड़ दिए। सुनना प्रेमियों ध्यान से, छछरौली वालों आज आप रिकॉर्ड बनाने जा रहे हो। किस चीज का? पहली बार इस कथा को 15,000 भगत एक साथ बैठकर सुन रहे हैं। इसका मतलब मैं एक कथा नहीं गा रहा, मैं 15,000 बार कथा गा रहा हूं। अब सुनना जरा ध्यान से। ब्राह्मण देवता बोले, हे बरबरीक, मेरी आवाज और खोल दो, कोई घर में सो रहा हो तो वो भी तर जाए। हे बरबरीक, धरती के कल्याण के लिए, कलयुग में धरती के कल्याण के लिए एक शीश का दान चाहिए। इतना सरल नहीं है कि यह शीश धरती से निकल जाए और सुबह उठे और चमत्कार हो जाए, आसान नहीं है। सुनो जरा, एक शीश का दान चाहिए इस कलयुग के कल्याण के लिए, और वो शीश का दान किन्हीं 3 महाबलियों में से किसी एक का हो सकता है, या तो भगवान श्री कृष्ण का, या अर्जुन का, या बरबरीक तुम्हारा। कन्हैया की बलि नहीं ले सकता, उसने युद्ध रचना है। अर्जुन की बलि नहीं ले सकता, उसने युद्ध खेलना है। तो बच्चे, तुम अपने शीश का दान दो और कलयुग में धरती का कल्याण करो। प्रेमियों, महात्मा बरबरीक ने 2 वचन दिए थे। पहला वचन हारे का, और दूसरा वचन रस्ते में कोई भी कुछ भी मांग लेगा, मना नहीं करेगा। ब्राह्मण देवता ने जैसे ही शीश मांगने की बात करी, बरबरीक ने तलवार निकाली, बोले, लो प्रभु, ये मौरवी का लाल, ये बरबरीक आपको वचन देता है शीश का दान दिया जाएगा, मगर जो शीश का दान मांग सकता है वो साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। आप अपने असली रूप में आइए, मैं तैयार हूं शीश का दान देने को। प्रेमियों, पहली बार ये महाभारत का युद्ध इसी हरियाणा में हुआ। हरियाणा में उसी धरती पे मैं गा रहा हूं। मोर मुकुट बंसी वाला पहली बार पूरे युद्ध में अपनी झोली पसार कर अपना विराट रूप लेकर खड़ा हो गया। कृष्णा शीश का दान मुरली वाले ने, शीश का दान मुरली वाले ने, बोलो बोलो बोलो, मांगा शीश का दान मुरली, एक बार मांगा। और बरबरीक ने निकाली तलवार, दे दिया शीश उतार, ताली बजाओ अपने लिए अगर समझ आए। कन्हैया ने पूछा, बरबरीक कोई इच्छा है क्या तुम्हारी? बरबरीक बोले, प्रभु, योद्धा हूं, लड़ने आया था, लड़ नहीं पाया, युद्ध देखना चाहता हूं। कन्हैया ने वो शीश
हिमाचल में सिरमौर जिले में चूड़धार पर्वत पर विराजित कर दिया। आखिर में पांडव जीत गए, मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने है जिताया। मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने है जिताया। तो चलो चले मुरली वाले के पास, चलो चले मुरली वाले के पास। दोनों हाथ उठा लो, पांडव जा रहे हैं मुरली वाले के पास, पूछने जा रहे हैं। चलो चले मुरली वाले के पास, चलो चले वाले के पास। जाकर करेंगे उनका अरदास, जाकर करेंगे। कन्हैया बताओ युद्ध किसने जिताया? कन्हैया बोला मैं तो तुम्हारा रथ चला रहा था, मुझे क्या पता युद्ध किसने जिताया। बोले बता दो, नहीं तो हम पांचों पांडव जीत कर भी हार जाएंगे कि आपस में लड़के मर जाएंगे। तब कन्हैया बोला एक है जिसने युद्ध देखा है, कौन है वो? वो शीश कदानी, वो शीश कदानी, वो शीश कदानी। एक बार मैंने झोली पसारी थी, अब तुम भी पसार लो। और दोनों हाथ उठाकर चलो चले उस शीश के पास, जाकर करेंगे उनका अरदास, जाकर करेंगे उनका अरदास। चलो 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 चले बताओ, हे शीश के दानी, तुमने युद्ध में क्या देखा? बर्बरी के शीश से आवाज आई, हे पांडवों, किस चीज का घमंड करते हो? मुझे पूरे युद्ध में सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलता दिखाई दिया। युद्ध में मारने वाला भी कन्हैया था और मरने वाला भी कन्हैया, इसके सिवा मुझे कुछ नजर नहीं आया। प्रेमियों, जब हम खुश होते हैं ना, तो सामने वाले को एक का डेढ़ दे देते हैं, ये जा ले जा कोई बात नहीं। ऐसे ही भगवान कृष्ण भी उस समय क्या प्रसन्न रहे होंगे बर्बरीक की बात सुनकर कि वरदान दे दिया कि जाओ बर्बरीक, तुमने जो ये शीश का दान दिया है, तुम्हारे इस शीश को मैं अमरता का वरदान देता हूं। कलयुग में, कलयुग प्रारंभ होते ही मेरी 16 की 16 कलाएं तेरे इस शीश में विराजित हो जाएंगी और कलयुग में तू मेरे खाटू श्याम के नाम से पूजा जाएगा। कोई श्याम पुकारेगा तो उसकी मदद ये मुरली वाला नहीं, तू खाटू वाला श्याम बनकर करे। जो वचन तुमने हारे का सहारा दिया, जाओ तेरे दरबार में तेरी कथा सुनकर पहली बार जो अर्जी लगा जाएगा, दुनिया की कोई ताकत उसे दोबारा हरा नहीं पाएगी, तू हारे का सहारा कहलाएगा। तुमने तुम्हारी माता को वचन दिया था कि कोई भी रास्ते में कुछ भी मांगेगा मना नहीं करोगे, जाओ तुम्हारे भक्तों को वरदान देता हूं। प्रेमियों, मैं जानना चाहता हूं आज पहली बार कथा किसने सुनी है बाबा की, पहली बार सीधे हाथ उठाना जिन्होंने पहली बार, और झोली पसार कर बाबा को कहना कि बाबा तेरी कथा पहली बार सुनकर जा रहा हूं। पहली बार आया हूं अरदास लाया, पहली बार।
हाथ उठा के, प्रेमियों ये वरदान है जो पहली बार आएगा पहली बार में ही लेकर जाएगा। ये वही कलयुग के देव है खाटू श्याम जी। मिलकर दोनों हाथ उठाकर ताली बजाकर कहना स्वागत करो बाबा का। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, मेरे शाम आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। मेरे दुख के दिनों में वो किस किस के काम आता है बाबा, ताली बजा जरा। चलती है पतवार नहीं होती, नैया चलती है पतवार नहीं होती, मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती, मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती, किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती, किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती, दरकार पड़े जब भी ये दौड़ा आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। पलखाटू नरेश की आ गया दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के। देखिए दो भजन और सुनाऊंगा क्योंकि सुबह 5 बजे हम लोगों की बंबई की फ्लाइट है, दादा लोग भी जाएंगे सारे, क्योंकि आज आनंद आया कि नहीं आया, शोर मचा के बताओ कितना आया। ले आओ भाई छेती, ले आओ तौलिया, वाह शुक्रिया। कहां से आए हो आप? यमुनानगर। यमुनानगर से आए? ओ जयपुर का सुनिया राजी, मन श्याम धनी ने सजाना से, पैसे का कोई सवाल नहीं, सोने का मुकुट चढ़ाना से। इधर आओ ओ यमुनानगर वासी, इधर आओ, इधर आओ। ओ जयपुर का सुनिया राजी, मन श्याम धनी ने सजाना से, पैसे का कोई सवाल नहीं, सोने का मुकुट चढ़ाना से। जा भाई, बाबा तुझे इस लायक बनाए कि तू सोने का नहीं तू डायमंड का चढ़ा। ओए मुकुट बना दे ऐसा प्यारे, देखते रह जाए देखने वाले, समय में दू तुझे 10वीं तक, समय में दू तुझे समय में दू तुझे 10वीं तक, ग्यारस ने मने चढ़ाना। क्या बात, खुश रहो बेटा। सरदार साहब मैं नाल कुछ नहीं लेके जाता, तो जो आपने मुझे दिया मैंने इसको दे दिया।